अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असदुल्ला और आप देख रहे हैं बेस्ट टेक्निकल आर्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोरल ड्रॉ के अंदर एक स्पिनर की जैसी डिज़ाइन बना सकते हैं, जिस तरह स्पिनर होता है ना, बिल्कुल वैसी की वैसी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर एक शेप बनाएं। शेप को बनाने के बाद आप प्लस का बटन प्रेस करें, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको यहाँ से ऐसे नीचे लेके आएँ, फिर कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट करें, कंट्रोल डी प्रेस करके इसको डुप्लीकेट करें, फिर यहाँ पर इसको ऊपर लेके आएँ, यहाँ से इसको ऊपर लेके आएँ, फिर डबल क्लिक करें यहाँ पे, यहाँ पे डबल क्लिक करके फिर यहाँ से इसको इसके पूरे बीच में लेके आएँ, और इस शेप के पूरे बीच में लेके आएँ, फिर यहाँ से इसको नीचे लेके जाएँ और माउस की लेफ्ट क्लिक प्रेस करें, फिर कंट्रोल आर प्रेस करके इसको घुमा दें। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें, पहले इसको सेलेक्ट करें, फिर शिफ्ट का बटन दबा के इसको, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको, फिर इसको ऐसे बारी बारी सबको सेलेक्ट करें। सबको सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, पहले हम देखते हैं डिज़ाइन आती है नहीं आती, अभी नहीं आ रही। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ रेंज में जाके यहाँ से इसको वेल्ड करें, वेल्ड करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट में आएँ, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक्सट्रूड रूलर इसको ओपन करें, फिर यहाँ से इसको अप्लाई कर दें। देखिए दोस्तों, आप और भी डिज़ाइन दे सकते हैं इस तरह, देखिए दोस्तों, आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। ये वाली या ये वाली कोई भी दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आ गई हमारी स्पिनर वाली डिज़ाइन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये स्पिनर वाली डिज़ाइन दे दी।